अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को हम किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं जी डेफिनेशन क्या है। पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज। ए और बी दो सेम साइज के मैट्रिसेस हैं, देन ए प्लस बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एंट्रीज ऑफ बी टू द कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए। बी की एंट्रीज को ए के कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करने के बाद द डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ बी फ्रॉम द कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए। और डिफरेंस किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बी की तमाम एंट्रीज को ए की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से माइनस करने के बाद। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि वो दो मैट्रिसेस जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं उनका साइज सेम होना चाहिए। जब उनका साइज सेम होगा तो वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब जहन में आ रहा होगा कि साइज क्या है, रिकॉल करते हैं, साइज होता है किसी भी मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जब दो मैट्रिसेस की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, इसका मतलब उनका साइज सेम है, तो वो ऐड भी हो सकते होंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते होंगे। एग्जांपल्स देखते हैं जी। पहले देखते हैं जी एडिशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या है जी, दो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ए मेरे पास मैट्रिक्स है 2, 3, 5 and 7, बी मेरे पास मैट्रिक्स है 3, 1, 4, 9। पहले हमने क्या देखना है जी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उनका साइज सेम होना चाहिए। साइज देखेंगे तो इसका साइज जो है नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, साइज होगा 2/2 का। इस मैट्रिक्स का साइज क्या है जी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका साइज भी 2/2 होगा। इसका मतलब साइज सेम है, ये ऐड भी हो सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इन्हीं मैट्रिक्स को पहले ऐड करते हैं। ए प्लस बी किया तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है कि हमने कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही प्लस करना है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही माइनस करना है। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो मैट्रिक्स ए में जिस प्लेस पे होगी कि वो एंट्री जो मैट्रिक्स ए में जिस प्लेस पे है मैट्रिक्स बी में भी उसी कॉरिस्पॉन्डिंग मतलब उसी जगह पे उसी प्लेस पे जो एंट्री होगी उसमें प्लस करना है और इसी में ही माइनस करना है। सबसे पहले 2 को प्लस करेंगे 3 में, इसके बाद 3 को प्लस करेंगे 1 में, इसके बाद 5 को प्लस करेंगे 4 में, इसके बाद 7 को प्लस करेंगे 9 में। अब इनको प्लस करते हैं, 2 + 3 = 5, 3 + 1 = 4, 5 + 4 = 9, 7 + 9 = 16। ये आ गया हमारा ए प्लस बी। अब हम देखेंगे कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जी, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 3, 4, 5, 2, मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1, 2, 3, 7। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। जैसे हमने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में कंडीशंस को देखा है पहले सॉल्व करने से, इसी तरीके से अब इसमें देखेंगे। अब हमने करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी करने के लिए कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो ही वो मैट्रिसेस जो है एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं जी, मैट्रिक्स ए का साइज जो है वो भी 2/2 है, मैट्रिक्स बी का साइज भी 2/2 है। इसका मतलब हम जो सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को माइनस किया जाता है दोनों मैट्रिसेस की।
अब मैट्रिक्स ए की थ्री वैल्यू में से वन को माइनस करेंगे, मैट्रिक्स ए की फोर एंट्री में से टू माइनस करेंगे, मैट्रिक्स ए की फाइव में से मैट्रिक्स बी को बी की थ्री को माइनस करेंगे, मैट्रिक्स ए के टू में से माइनस करेंगे मैट्रिक्स बी के सेवन को, और इसका ऑर्डर भी टू बाय टू ही चल रहा है। थ्री में से वन को माइनस किया आ गया टू, फोर में से टू को माइनस किया आ गया टू, फाइव में से थ्री को माइनस किया आ गया टू, और टू में से सेवन प्लस माइनस करके माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का फाइव। तो ए माइनस बी हमारा इस तरीके से आ जाएगा कि ए की तमाम एंट्रीज में से बी की कोरिस्पॉन्डिंग तमाम एंट्रीज को माइनस करेंगे। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरीके से दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो बेसिक कंडीशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है वो ये है कि दो मैट्रिसेस उसी वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिसेस के साइज सेम होंगे, और उसके बाद हम दोनों मैट्रिसेस में से मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स बी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे तो दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर देंगे हम, और अगर हम माइनस करना चाहेंगे तो मैट्रिक्स बी की तमाम एंट्रीज को मैट्रिक्स ए की कॉरेस्पॉन्डिंग तमाम एंट्रीज में से माइनस करेंगे तो वो हमारा सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर होगा। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।